गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है मंडे लेकिन आज है मेरा हॉलीडे ऑफिस का, तो आज ऑफिस नहीं जाना है। और अब अभी तक मैं रजाई में, कल हो रही थी क्या बारिश, बारिश हो रही थी, इस चक्कर में लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, अब आ गई लाइट। तो आज मेरा फास्ट भी है, मम्मा का भी फास्ट है। तो हमने सोचा था क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, मम्मा ने कहा था भिंडी बना लेते, लेकिन मैंने कहा कि मम्मा लाते हैं थोड़ा सा पनीर मार्केट से और बनाते हैं क्या मटर पनीर, क्योंकि अभी मटर भी मिल रही है, मटर का सीजन है इसलिए। तो अब मैं जा रही हूँ मटर पनीर बनाने, चलो। तो मम्मा ने कर दी है थोड़ी बहुत तैयारी, मम्मा ने लहसुन छील दिया, मटर छील दी, मिर्ची काट दी, कांदा काट दिया, कांदा काट दिया, लेकिन इसको हम करेंगे थोड़ा और बारीक। तो मम्मा हमारा सिस्टम कहाँ है, ये रहा। अभी हम फोन को रखते हैं यहाँ, लहसुन। अब हम दिखेंगे कैसे, हमारे फोन को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे जिससे हम दिख जाए यहाँ से। ओ गाइस, इतना दूर से दिखूंगी मैं तो फिर मैं आऊंगी कैसे बनाते हुए, थोड़ा और पीछे रखना पड़ता, ठीक है आ रही है, आगे आगे ले लेना चिमची लगा, ये सब साथ ही कर लो क्या, नहीं क्या करना करनी पड़ेगी, समझ मर्जी से करो वैसे करो, उसको क्या ठाक है ना, पकड़ो हाँ अंदर गए नेदर कर दे, इसे रख दे, ये समझ के लगा नहीं है। तो शायद ये ऊपर से कर रही है लाइट। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सारा मसाला कर लिया रेडी, मतलब काटा पीटी कर लिए, जो भी टमाटर वमाटर सब मैंने काट लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, मटर पनीर की शाही सब्जी। आप भी बताना आप कैसे बनाते हो, मैं बता रही हूँ मैं किस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। पहले मैं डालूंगी उसमें ऑयल, अब मैं उसमें कैसे दिखाऊं यार, दोनों चीजें दिखे, ऑयल भी डालते हुए मैं भी परफेक्ट। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो मैं चलाती हूँ सॉन्ग्स, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ वीडियो तो मैं नहीं चला रही, सॉन्ग्स बना जाएगा कॉपीराइट क्लेम, तो मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्या हाँ मॉमी, तब तक हम कर लेते हैं पनीर को कट। एक चीज और, मुझे ना पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है खाना, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, मैं उसकी ग्रेवी से खा लेती हूँ, एक आध पनीर का पीस ले लेती हूँ, बाकी मैं ग्रेवी से खाती हूँ। ये मैंने कर लिया है पनीर, इस साइज में कट कर लिया है। अब मैं पहले पनीर को फ्राई करूंगी, फ्राई मतलब तेल में, गर्म तेल में इसको सेक लूंगी थोड़ा ब्राउनिश होने तक। डाल दिया, थोड़ा थोड़ा ब्राउन करेगा।
ये शायद थोड़ा पुराना पनीर है जो शॉप से लाए हैं, थोड़ा थोड़ा ना नीचे टच हो रहा लग रहा है। घर तो मैंने फ्राई कर नहीं बताया तो नहीं होता है कुछ। पनीर थोड़ा ब्राउनिश दे चुके हैं, इस तरह से बनाना सीखे। अब है तेल गरम ही है ऑलरेडी, तो हम इसी तेल में अपनी सब्जी के ये मसाले को फ्राई करेंगे। तो पहले हम डालेंगे थोड़ी सी राई, फिर डालेंगे जीरा, फिर इसमें डालेंगे हम ये खड़ा मसाला, मिर्ची, तेज पत्ता, सब लौंग, इलायची, काली मिर्च। जब खड़ा मसाला सीख गया, अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, हम उसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब हमारी प्याज हो चुकी है ब्राउन, अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा इसको चला लेते हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें छिली हुई अपनी मटर। अब इसमें हम डालेंगे बाकी मसाले, टमाटर और मटर डाल चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक ताकि टमाटर और मटर थोड़ा जल्दी हो जाए। नमक उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो भी मसाला हम यूजली हर सब्जी में डालते हैं। मिर्ची हमारी रेड जरूर है लेकिन ये तीखी नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मिर्ची मैं थोड़ा सा हिसाब से डालूंगी कलर के हिसाब से, क्योंकि ये तीखी नहीं है मिर्ची। और डालूंगी इसमें हींग, मटर और टमाटर सीख रहे तब तक हम काट लेते हैं धनिया, बाकी सामान रख दिया किसी में।
हम इस ग्रेवी में डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए पनीर। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गर्मा गर्म पनीर तो मेरी मटर पनीर बन के हो चुकी है रेडी। अब मैं इसे करूंगी धनिए से गार्निश और रेडी। तो मैं बना चुकी हूँ सब्जी। अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो नहा के मैं करती हूँ पूजा, फिर मैं खोलूंगी फास्ट। तब मैम तो आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे बनी है मेरी मटर पनीर की सब्जी।